नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वन्य जीव पारिस्थितिकी संरक्षण की आवश्यकता के क्यों पड़ रही है। देखेंगे किस संदर्भ में अभी हाल में चर्चा में बनी हुई है। और पारिस्थितिकी ये शब्द हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं, आखिर होता क्या है इस पर भी बात करेंगे। वन्य जीव पारिस्थितिकी में गिरावट के कारण क्या क्या है, यानी कि क्या क्या इसके मुख्य कारण है कि वन्य जीव पारिस्थितिकी में गिरावट देखी जा रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी कई बार आपका पूछ लिया गया हो, कई बार चर्चा में भी रहता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वैधानिक प्रावधान क्या किए गए, उन पर भी नजर डालेंगे हम लोग। क्या किए जाने की आवश्यकता है कि हम लोग वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार सकें, यानी कि आज की इस क्लास में बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास है। पर्यावरणविदों के अनुसार वर्ष 2018 में बाघ जनगणना हेतु प्रयोग किए गए कैमरा टिप्स में लगभग आपके 17 बाघ अभयारण्यों में बाघों के अतिरिक्त अन्य घरेलू जानवरों जैसे पालतू कुत्ते की उपस्थिति को भी रिकॉर्ड किया गया है। विशेषज्ञों का मत है कि बाघ अभयारण्यों में घरेलू जानवरों की उपस्थिति से बाघों समेत अन्य जंगली जानवरों को बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें वन्य जीव पारिस्थितिकी में व्यापक पैमाने पर गिरावट होने की संभावना हुई है। वर्ष 2019 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, यानी कि इसे CDV भी कहते हैं, जो कि वन्य जीव अभयारण्यों में और उनके आसपास रहने वाले CDV से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से प्रसारित हुआ था। यह वन्य जीव वैज्ञानिकों के बीच चिंता का विषय भी बन गया था। एक बात याद रखिए कि जो 2018 में आपकी बाघ जनगणना हुई, इसमें आपके देश में यानी कि भारत में 2967 बाघ देखे गए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश MP में देखे गए। और अब इसके बाद आपकी 2022 में यानी कि 4 साल की अंतर पर यह जनगणना होती है। इससे पहले आपकी 2014 में हुई थी, अब 2022 में होगी, ठीक है, याद रखिए। पिछले वर्ष गिर के जंगलों में 20 से अधिक शेर वायरल संक्रमण का शिकार हुए थे। यही कारण है कि जंगली जानवरों में इस वायरस के चलते होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। जहां एक ओर गंभीर बीमारियों से जंगली जानवरों की मृत्यु हो रही है, तो वही मानवीय वन्यजीव संघर्ष तथा पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में हो रहा निर्माण कार्य भी वन्यजीव पारिस्थितिकियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। मानव वन्यजीव संघर्ष भारत में स्थानिक है। इसे आमतौर पर विकास गतिविधियों की नकारात्मकता और प्राकृतिक आवासों में गिरावट हेतु गिरावट के रूप में चित्रित भी किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कई बार सुनते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कभी शेर देखने को मिलता है, कभी टाइगर देखने को मिलता है, कभी आप जंगलों से बाहर हाथियों को देखते हैं, हाथियों के झुंड को बाहर देखते हैं। तो याद रखिए उनके मतलब आवासों को हम लोग छीनते जा रहे हैं एक तरह से। आप विकास जितनी भी परियोजनाएं होते हैं तो उस समय मतलब वहाँ की जो भी पारिस्थिति है यानी कि पर्यावरण है उसमें हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। इससे क्या होगा कि उनके आवास हम लोग छीन रहे हैं तो वो जाए कहाँ। इसलिए आप देखते हैं कि इस तरह के रोडों पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं जानवर, समझ रहे हैं। अब आप सोचिए कहीं भी बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं तो वहां जो भी अभ्यारण होगा आप उसे भी जानते हैं किस तरह से प्रभावित होता है बुरी तरह से। अभी आपने पन्ना टाइगर रिजर्व MP की सुना होगा कि वहां जो भी ट्रेन गुजरने की बात की जा रही थी तब भी आपने देखा कि कितनी मुश्किल से वहां काम चल रहा है। अब एक शब्द आप लोग सुनते रहते हैं अक्सर, पारिस्थितिकी से तात्पर्य यानी कि पारिस्थितिकी है क्या। जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वास्तव में जीव जीवन के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय की गतिविधियों का अध्ययन वन्य जीव पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि आपके इसमें जैव घटक भी शामिल रहते हैं और अजैविक घटक भी इसमें शामिल रहते हैं। और जिसमें आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ये तो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, और वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र में आपके जैविक समुदाय को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग वन्य जीव पारिस्थितिकी में गिरावट के कारणों की बात करें तो मानव वन्य जीव संघर्ष। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। यह क्षेत्र वन्य जीवों के आवास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।
एक ओर संरक्षित क्षेत्रों का आकार छोटा है, वहीं दूसरी ओर रिजर्व में वन्य जीवों को पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त बड़े वन्य जीवों जैसे बाघ, हाथी, भालू आदि की शिकारों के पनपने के लिए भी पर्याप्त परिवेश उपलब्ध नहीं हो पाता। उपयुक्त स्थिति के कारण वन्य जीव भोजन आदि की जरूरतों के लिए खुले आवासों अथवा मानव बस्तियों के करीब आने को मजबूर होते हैं। यह स्थिति मानव वन्यजीव संघर्ष को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त आप भारत के वनों और इसकी जैविक विविधता की रक्षा करने हेतु समर्पित प्राथमिक माध्यम यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अपने संरक्षण कार्यों में असफल रहा है। और एक बात तो आप लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि इनके आवासों से हम लोग बहुत बुरी तरह से इन्हें बहुत बुरी तरह से हम लोग प्रभावित कर रहे हैं, इनकी मतलब आवासों को, समझ रहे हैं आप लोग। इन्हीं का कारण हम लोग देख रहे हैं मानव संघर्ष, मानव जीव संघर्ष देखने को मिलता है। पर्याप्त इनके लिए आवास उपलब्ध नहीं रहेंगे तो ये कहां जाएंगे आखिर, इन्हीं का कारण देखा जाता है। एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि इस धरती पर सबका बराबर हक है, फिर चाहे आपका कोई भी जानवर हो, लेकिन आप समझते हैं सबसे ज्यादा जानते हैं कि पर्यावरण को, इस धरती को सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो मानव से। गांधी जी की आपको कोट याद होगी एक, कि उन्होंने कहा था कि हमारी प्रकृति के पास इतना संसाधन यानी कि इतना अपना मतलब है उसकी क्षमता कि सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, यानी कि आप जितने भी धरती पर मानव हैं, जितने भी आपके जीव जंतु हैं, सबकी मतलब इच्छा है यानी कि पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक लालची पैदा हो जाता है धरती पर तो उसकी लालच को पूरा करने के लिए पूरी धरती कम पड़ सकती है। आप समझिए कि अगर आपको रहने के लिए एक मकान की जगह चाहिए, काफी है, आप रह सकते हैं आपका परिवार, लेकिन जब आपकी लालच बढ़ती जाएगी तो आपके लिए हजारों मकान भी कम पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। फिर आपका है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये आपका वायरस बीमारी है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस मुख्य रूप से कुत्तों में श्वसन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल श्वसन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ आंखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। संक्रमित कुत्ते के माध्यम से सीडीबी, बाघ और शेर सहित भेड़िए, लोमड़ी, रेकोन, लाल पांडा, फेरेट और हाइना जैसे जंगली मांसाहारियों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत की वन्यजीव पारिस्थितिकी में इस वायरस का प्रसार तथा इसकी विविधता का पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया। फिर आपका तीसरा पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में निर्माण कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों को हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों में शामिल रहा है और वैश्विक बाजार में भारत की इस बढ़त में देश के सुदूर हिस्सों में भी विकास कार्यों में तेजी प्रदान किया। परंतु कई बार विकास कार्यों के दौरान पारिस्थितिकी के क्षरण को रोकने के लिए आवश्यक मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, जो कि वन्यजीव पारिस्थितिकी के संरक्षण में एक बड़ी चुनौती भी है। आप समझिए कि जब आप किसी जंगल से यानी कि अभ्यारण्य से ट्रेन गुजारते हैं आप लोग, तो आप समझिए कि वहाँ के जो भी जानवर रहते हैं, वन्यजीव प्राणी हैं, उन पर बुरी तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। रात में वो अगर क्रॉस कर रहे हैं, रात में ट्रेन जा रही है, कई बार आप सुनते रहते हैं कि हाथियों का, इतने हाथी चपेट में आ गए ट्रेन की, मारे गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इससे भी, और उनकी ध्वनि जो ट्रेन की ध्वनि है, आवाज है, इससे भी बहुत प्रभावित होते हैं ये वन्य जीव, समझ रहे हैं। अगर बड़ी परियोजनाएं चल रही तो उनका आवास ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक गतिविधियों में वृद्धि के लिए विभिन्न नियम और कानूनों में छूट दी गई। इससे राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क का विस्तार संरक्षित क्षेत्रों के करीब हो सकेगा। इससे वन्यजीव पारिस्थितिकी में और अधिक गिरावट होने की आशंका व्यक्त की गई। इससे पूर्व वाणिज्यिक लाभ और ट्रॉफी हंटिंग मनोरंजन के लिए शिकार के कारण पहले ही बड़ी संख्या में वन्यजीवों का शिकार किया जाता रहा है। पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग नियामक इकाइयों का गठन किया जाता है, परंतु कुछ मामलों में इन नियामकों द्वारा प्रायोजक की कार्यप्रणाली के जांच व उन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते हैं। एक तो सबसे ज्यादा हमारे देश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा देखने को मिलता है, इससे क्या रहता है कि काफी हद तक ये लोग बच जाते हैं तो इसका शिकार भी करते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने भी वन्य जीवों को प्रभावित किया है, या यूं कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर वन्य जीवों पर पड़ता है, तो गलत नहीं होगा। वन्य जीवों के प्रभावित होने से उनके प्राकृतिक पर
पर्यावास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वन्य जीव मानव बस्तियों के की ओर पलायन करते हैं। इससे मनुष्यों व वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ता है। एक समय आप लोग देखते थे कि आपके घर में आसपास देखा होगा आपने कि एक छोटी चिड़िया हुआ करती थी, आप लोग चील भी देखते थे पहले, आजकल वो भी दिखना बंद हो गया है। आप समझ रहे हैं कि मतलब समय के साथ वो भी नष्ट होती जा रही है। ये भी आपका कई बार पूछ लेता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीव तथा उसके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया है। इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया था और कानून के तहत अपराधों के लिए सजा एवं जुर्माने और अधिक कठोर बनाए दिया गया। मंत्रालय ने अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन करके और अधिक कठोर उपाय को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोगों ने वीरप्पन के बारे में सुना होगा, एक मूवी भी बनी हुई थी, उसमें आप देखते हैं किस तरह से इनका व्यापार किया जाता है, अवैध व्यापार, और कई मूवियों में दिखाया जाता है। और हकीकत समझिए आप लोग, मैं ये कहता हूँ कि हकीकत में ये मूवी मतलब उसी से प्रेरित करके बनाई जाती है, यानी कि इसमें रियलिटी भी आप समझ सकते हैं कि हकीकत बाहरी दुनिया में ऐसा होता है। आप यही सोचिए, आज आपके नेताओं पर अगर मूवी बनाई जा रही है, उनके मतलब कारनामों को दिखाया जा रहा है, तो आज के नेताओं को आप लोग मूवियों से जोड़कर देखिए, उनमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, हकीकत दिखेगी आपको, किस तरह से जनता को चूसते हैं, मतलब एक नेता कहां से कहां पहुंच जाता है भ्रष्टाचार करते करते। तो समझ रहे हैं, मतलब आप कम से कम समझ में तो आ जाता है आपको। अब आपको वीरप्पा मोइली वो आप सुनते हैं, वो उस मूवी को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से व्यापार होता था, अवैध व्यापार है इसका। फिर चाहे हाथी का दांत ले लीजिए, फिर चाहे शेर के दांत या खाल का ले लीजिए, हड्डियों का ले लीजिए, समझ रहे हैं इन सभी की। भारत में वन्य जीवों की संरक्षण हेतु वैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें, तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह संशोधन हुआ था। इसके द्वारा अधिनियम में दो नए अनुच्छेद 48A और 51A को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और यह एक व्यापक केंद्रीय कानून है जिसमें विलुप्त हो रहे वन्य जीवों तथा अन्य लुप्त प्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है। वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव योजना वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई थी। इसे भी याद रखिए आप लोग। क्या किए जाने की आवश्यकता है आखिर? अभी पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वन्य जीव संरक्षण का कार्य सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय वन्य जीव पार्कों, टाइगर रिजर्व आदि तक सीमित रहता है, तो कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी होंगी। उदाहरण के लिए ग्रेट इंडिया वेस्टर्न वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में, इस सूची में शामिल वन्यजीवों को हानि पहुंचाना समग्र भारत में प्रतिबंध है, जो एक सूची में शामिल किए जाते हैं। इस पक्षी के लिए विशेष अभ्यारण भी स्थापित किया गया, फिर भी यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। वन्यजीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के साथ साथ इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र जो जन भागीदारी पर आधारित है के निर्माण पर भी बल देना चाहिए। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने हेतु एकीकृत पूर्व चेतावनी तंत्र की सहायता से नुकसान को कम करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए खेतों में बाड़ लगाना और पालतू एवं कृषि से संबंधित पशुओं की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन करना आदि उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे वन्य जीव जैसे हिरण हो गया, सुअर हो गया, जो बाघ एवं अन्य बड़े पशुओं का भोजन है, के शिकार पर रोक लगानी चाहिए, जिससे ऐसे पशुओं के लिए भोजन की कमी ना हो। यानी कि कहने का मतलब है कि बाघ और इनके लिए काफी भोजन की व्यवस्था हो, ऐसा हमें परिवेश बनाने की जरूरत है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर उचित वन्यजीव प्रबंधन के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि आपात स्थिति के समय उचित निर्णय लिया जा सके और मानव वन्यजीव संघर्ष से होने वाली हानि को भी रोका जा सके। वन्यजीवों से होने वाली फसलों के नुकसान के लिए फसल बीमा का प्रावधान होना चाहिए। इससे स्थानीय कृषकों में वन्यजीवों की प्रति बदलने की भावना की कमी आएगी, जिससे वन्यजीवों की हानि को रोका जा सकता है। अभी आप देखते हैं कि कई मामले में आप देखते हैं कि जानवरों की जान भी ले ली जाती है किसानों के द्वारा,
आपने सुना होगा नील गायों को भी मार दिया जाता है, तो एक बीमा रहेगा अगर, तो इन्हें मतलब बदले की भावना भी नहीं रहेगी, अगर किसी नष्ट हो जाती है फिर भी उन्हें बीमा मिलेगा। तो इस तरह से पशुओं की मतलब मारने में भी शिकार करने में भी कमी आएगी। भारत में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया, इसी तरह पर टाइगर कॉरिडोर एवं अन्य बड़े बड़े वन्य जीवों के लिए भी गलियारे का निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ ही इको ब्रिज आदि के निर्माण पर भी जोर देना चाहिए। इन कार्यों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से कोष की प्राप्ति की जा सकती है। लास्ट में आप कह सकते हैं कि आपने एक सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, बागवन अन्य वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। साथ ही बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था आपका, और इन्हीं बाघों को संरक्षित करने के लिए यानी कि इन्हें बचाने के लिए इसे रखा गया था। वर्ष 1973 तक अब तक बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। बाघों में भारत में बाघों की बढ़ती संख्या मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में सामने आई है। यदि मानव वन्य जीव संघर्ष और वन्य जीव पारिस्थितिकी में गिरावट के मूल मूल में जाए तो यह पाते हैं कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में वन्य जीवों के आवासीय क्षेत्रों में कमी इसका प्रमुख कारण है। अतः अब हमारे प्रयास पारिस्थितिकी तंत्र और विकास के मध्य संतुलन बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। आप सोचिए कि आज से कई हजार साल पहले क्या हम लोग भूख से मरते थे, तब भी तो आप सोचिए कि पेट भरता था, बेहतर जिंदगी रहती थी, और हम लोग ज्यादा उस समय मतलब पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे, जीवों को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे, काफी जीव रहते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि विकास की इस दौड़ में हम लोग एक पर्यावरण को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है, जलवायु को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति अभी देखी गई, आपने देखा होगा हाल में कि अंटार्कटिका पर जहां मानव बस्ती नहीं है वहां भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि हमारी क्या हालत हो सकती है, यहाँ तो पूरी बस्ती भरी हुई पड़ी हुई है। तो ये आपका था वन्य जीव पारिस्थितिकी संरक्षण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही, पूरी कहानी थी। ठीक है, सभी पॉइंटों को याद रखिए। अगर आंसर राइटिंग के लिए आता है या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनता है तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे।